स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 9 के सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर 4 ऑन ए विंटर्स नाइट एक्सप्लेन करूंगा, जो पूस की रात का इंग्लिश रूपांतर है। पूस की रात को मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था और मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के बहुत बड़े लेखक थे और इनकी कहानियां मानवीय जीवन का अच्छा चित्रण करती थी। तो अब स्टोरी पे आने से पहले मैं आप लोगों से अपेक्षा करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक भी करें, और साथ ही साथ आप वीडियो में क्या कुछ चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। फल्कू एंड हिज वाइफ लिव्ड इन ए विलेज। फल्कू और उसकी पत्नी एक गांव में रहते थे। दे वेर पुअर, वे गरीब थे। दे ओड मनी टू सोना द मनी लेंडर, उन लोगों ने साहूकार सोहना से पैसे कर्ज लिया था, धन कर्ज लिया था। दो इट वाज ए कोल्ड विंटर, हल्कू हैड नो बॉट ए ब्लैंकेट। यद्यपि यह एक ठंडा जाड़े का समय था, मौसम था, लेकिन हल्कू ने एक कंबल भी नहीं खरीदा था। ही सेड टू हिज वाइफ गिव मी सम मनी, उसने अपनी पत्नी से कहा मुझे कुछ पैसे दो। सोहना द मनी लेंडर हैज ऑलरेडी कम ट्वाइस, सोहना साहूकार दो बार पहले ही आ चुका है। ही शुड गिव हिम द मनी, वी शुड गिव हिम द मनी, हमें उसे पैसे देने हैं। दैट्स हाउ वी कैन गेट राइड ऑफ हिम, और हम किस प्रकार से उससे पीछा छुड़ा सकते हैं। एज देयर आर ओनली 3 रुपीज, सेड हल्कूज वाइफ, हल्कू की पत्नी ने कहा कि 3 रुपए ही हैं। वी कैन नॉट रिटर्न हिज मनी, हम उसका पैसा नहीं लौटा सकते। वी शुड बाई ए ब्लैंकेट इंस्टेड, हमें इसके स्थान पे एक कंबल खरीदना चाहिए। सिंस द हार्वेस्ट इज नॉट येट डन, वी शुड वेट, क्योंकि अभी कटाई नहीं हुई है इसलिए हमें इंतजार करना चाहिए। ऑल्दो हल्कू नीडेड ए ब्लैंकेट बैडली, ही डिड नॉट बाय इट, जब तक हल्कू को एक कंबल की आवश्यकता बुरी तरह से थी लेकिन वह इसे नहीं खरीदा। ही हैड नो वूलन क्लोथ्स, नो क्विल्ट्स आर ब्लैंकेट, उसके पास कोई ऊनी कपड़ा नहीं था, रजाइयाँ नहीं थीं और कंबल भी नहीं थे। हल्कू डिड नॉट लाइक सोना टू कर्स हिम, हल्कू पसंद नहीं करता था कि सोहना उसे कोसे भरा बुला कहे। ही अगेन बेग्ड हिज वाइफ गिव मी द मनी प्लीज, उसने दोबारा अपनी पत्नी से याचना की कृपा करके मुझे पैसे दो। आई मस्ट गेट राइड ऑफ हिम, मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। आई विल थिंक ऑफ सम अदर वे ऑफ बाइंग ए ब्लैंकेट, कंबल खरीदने का मैं कोई दूसरा तरीका सोचूंगा। हल्कूज वाइफ हैड टीयर्स इन हर आईज, हल्कू की पत्नी की आंखों में आंसू थे। सी सेड हु विल गिव यू ए ब्लैंकेट, उसने कहा तुम्हें कंबल कौन देगा। सिंस यू कैन नॉट पे योर डेब्ट्स, यू डोंट गिव अप फार्मिंग एंड बिकम ए लेबरर, जैसा कि तुम अपने कर्ज को नहीं चुका सकते तो तुम कृषि का कार्य खेती बाड़ी छोड़ क्यों नहीं देते और एक मजदूर क्यों नहीं बन जाते। वी वर्क सो हार्ड ईट वी हैव नो कम्फर्ट, हम लोग इतना कठिन मेहनत परिश्रम करते हैं लेकिन हमें कोई आराम नहीं है। वी हैव टू स्वेट ऑल आवर लाइफ, हमें अपनी पूरी ज़िंदगी पसीना ही बहाना है।
हल्कू सेड डू यू वांट मी टू लिसन टू सोना एब्यूज। हल्कू ने क्या कहा, क्या तुम चाहती हो कि मैं सोना की गालियाँ सुनूं? दिस मेड हर एंग्री एंड सी शाउटेड। इस बात से वह नाराज हो गई और चिल्लाई, वाई शुड ही एब्यूज यू, वह तुम्हें गाली क्यों देगा? इज ही किंग, क्या वह एक राजा है? आर वी स्लेव, क्या हम गुलाम हैं? बट सी न्यू दैट हल्कू वाज राइट, लेकिन उसने जाना समझा कि हल्कू सही था। सी डिड नॉट लाइक एनी वन एब्यूजिंग हर हस्बैंड, वह यह पसंद नहीं करती थी कि कोई उसके पति को गाली दे। सी थॉट, उसने सोचा, सी वुड गिव द मनी टू हर हस्बैंड, उसने सोचा कि वह अपने पति को पैसे दे देगी। सी टुक आउट 3 rupees एंड पुट देम इन हिज हैंड एंड सेड, उसने 3 rupees निकाले और हल्कू के हाथ में रखा और कही, सिंस फार्मिंग डज नॉट गिव अस इनफ टू ईट, यू शुड गिव इट अप, चूँकि खेती हमें पर्याप्त नहीं देती है, इतना नहीं देती है कि हम ठीक से खा सकें, इसलिए तुमको खेती बाड़ी को छोड़ देना चाहिए। वी डू नॉट गेट एनी मनी टू स्पेंड, खर्च करने के लिए हम पैसे भी नहीं पाते हैं। द लैंड नीड्स ऑल द मनी, और ज़मीन को ही सारे पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, जुताई बुआई खाद पानी बीज वगैरह वगैरह से मतलब है। वी आर ऑलवेज इन डेब्ट्स, हम हमेशा ही कर्ज में रहते हैं। वाट डू यू गेट इन रिटर्न फॉर आर योर हार्ड वर्क, अपने कठिन परिश्रम के बदले तुम बदले में क्या पाते हो? ओनली एब्यूजेज, केवल गालियाँ। As Halku was going to the money lender, he thought of money. अब हल्कू साहूकार के पास जा रहा था, उसने पैसे के बारे में सोचा। He did not like the idea of giving up his hard-earned money. अपने कठिन परिश्रम से कमाए हुए पैसे को छोड़ने के विचार को वो पसंद नहीं कर रहा था, मतलब उसे अच्छा नहीं लग रहा था अपने कठिन परिश्रम से कमाए हुए धन को देने का। He could easily buy a cheap blanket with his small saving. वह अपनी इस छोटी सी बचत से एक सस्ता कंबल आसानी से खरीद सकता था। He would keep him warm. It would keep him warm. और यह उसको गर्म रखता। But how would he pay his debts then? लेकिन तब फिर वह अपने कर्ज को कैसे चुकाएगा? No, he would pay his debt first. नहीं, वह पहले कर्ज ही चुकाएगा। It was a cold dark night. यह एक ठंडी काली रात थी, गहरी काली रात थी। Even the stars seemed to shiver with cold. यहाँ तक कि सितारे भी ठंड से कांपते हुए महसूस हो रहे थे। Since Halku had no woolen clothes, he wrapped himself in an old cotton sheet. हल्कू के पास कोई ऊनी कपड़ा नहीं था, उसने अपने आप को एक पुराने सूती चादर में लपेट लिया। ही ले ऑन हिज कॉट इन ए कॉर्नर ऑफ हिज फील्ड, वो अपने खेत के कोने में चारपाई पर लेट गया। हिज डॉग झबरा ले अंडर इट, उसका जो कुत्ता था झबरा वो चारपाई के नीचे लेटा। Neither Jhabra nor Halku could sleep. ना तो झबरा और ना ही हल्कू सो सके। हल्कू smoked his clay pipe for the 10th time to keep away the cold. हल्कू ने अपनी चीलम को 10वीं बार जलाया ठंड से बचने के लिए। As he smoked, his thought went to rich landowners who were sleeping in their warm bed under woolen blanket. जैसे ही उसने चीलम को खींचा, मतलब स्मोकिंग की, उसके जो विचार थे धनी जमींदारों की तरफ गए, जो अपने गर्म ऊनी कंबलों के अंदर सो रहे थे। Where did they get the money from to buy these blankets? वे कहाँ से इन कंबलों को खरीदने का पैसा पाते हैं? Surely it was
from poor people like him who worked hard and suffered. निश्चित रूप से यह पैसा गरीब लोगों से आता है, उसके जैसे गरीब लोगों से ही आता है जो कठिन परिश्रम करते हैं और कष्ट सहते हैं. While the land owners kept on getting rich, जबकि जो जमींदार हैं वो धनी से और धनी होते जा रहे हैं. हल्कू ले डाउन अगेन, हल्कू दोबारा लेट गया. He tried to sleep, उसने सोने का प्रयास किया. But just as he stretched himself, he shivered. लेकिन जैसे ही उसने अपने आप को फैलाया वह कांप गया. The cold wind dipped into his bones. ठंड उसके हड्डियों में गहराई तक चली गई. Since he could think of nothing else, अब चूंकि वह कुछ भी नहीं सोच सका, he took Jabra and made him sleep next to him. उसने जबरा को अपने पास लिटाया और सो गया. नो, ही टुक जबरा एंड मेड हिम स्लीप नेक्स्ट टू हिम. उसने जबरा को उठाया और अपने बगल में सुला लिया. दिस केप बोथ ऑफ देम वार. ऐसा करने से दोनों को गर्मी मिलने लगी. दे वेयर बोथ हैप्पी. वे दोनों ही खुश थे. एस दे वेयर अबाउट टू फॉल स्लीप, जबरा स्टार्टेड बार्किंग. जैसे ही दोनों सोने वाले थे जबरा ने भूखना शुरू कर दिया. इट वॉज वेरी कोल्ड आउटसाइड. बाहर बहुत ही ठंड थी. इट जबरा रैन इन टू द फील्ड. इसके बावजूद जबरा खेत में दौड़ के गया. ही बार्क एंड रैन फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द फील्ड टू अनदर. वह खेत के कोने से दूसरे कोने तक दौड़ा. सम एनिमल्स हैड एंटर्ड हल्कूज फील्ड. कुछ जानवर हल्कू के खेत में प्रवेश कर गए थे, घुस गए थे. द विंड वॉज आइसी कोल्ड. हवा जो थी बर्फीली ठंड थी, बर्फ समान ठंडी थी. जबरा हैड बीन अवे फ्रॉम एन आवर. और जबरा एक घंटे से दूर था. हल्कू वॉज कोल्ड अगेन. हल्कू को दोबारा ठंड लग रही थी. ही लुक एट द स्काई. उसने आसमान की तरफ देखा. इट वॉज नॉट एट मिड नाइट. अभी तो आधी रात भी नहीं हुई थी. हल्कू थॉट ऑफ द मैंगो ऑर्चर्ड एंड वेंट देयर. हल्कू ने आम के बागीचे के बारे में सोचा और वहाँ गया. द ग्राउंड वॉज कवर्ड विथ ड्राई लीव्स. वहाँ की जो जमीन थी सूखी पत्तियों से ढकी हुई थी. हल्कू हैंड एंड फिट वेयर नम. हल्कू के जो हाथ और पैर थे वो सुन्न पड़ गए थे, ठंड इतनी ज़्यादा थी. सिंस ही हैड नो अदर वे ऑफ कीपिंग वार. क्योंकि उसके पास अपने को गर्म रखने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था. ही मेड ए पाइल ऑफ ड्राई लीव्स एंड लिट ए फायर. उसने सूखी पत्तियों का ढेर लगाया और आग लगाया. ये भी मतलब कैसे किया होगा, क्योंकि उसकी रात में ओस भी पड़ती है और पत्तियां भीग चुकी होती हैं आधी रात होते होते तक. पत्तियों को कैसे जलाया होगा ये भी अपने आप में बड़ा प्रश्न है. झबरा वॉज पार्किंग इन द फील्ड. खबरा खेत में ठोकरा था. हल्कू वाज हेलोन. हल्कू अकेला था. सोन द फायर डाइड आउट एंड द आर्चर्ड वाज डार्क अगेन. जल्द ही आग बुझ गई और बगीचे में फिर से अंधेरा हो गया. ऑल्दो हल्कू वाज वार्म नाउ. लेकिन अब तक हल्कू थोड़ा गर्म हो गया था. ही डिड नॉट गो आउट इनटू द फील्ड. वह फिर खेत में नहीं गया. ही फेल्ट एक्सट्रीमली लेजी. उसने बहुत ही आलस्य महसूस किया. एस इट बिकेम कोल्डर हिज लेजीनेस इंक्रीज्ड. और ये जो ठंड थी उसकी सुस्ती को और बढ़ा दी थी. जबरा वाज पार्किंग लाउडली. जबरा बहुत तेजी से भौंक रहा था. इट सीम्ड टू हल्कू दैट ए हर्ड ऑफ कैटल हैड एंटर्ड हिज फील्ड. हल्कू को ऐसा प्रतीत हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में प्रवेश कर गया है. ही कॉल्ड आउट टू जबरा. उसने जबरा को बुलाया. जबरा डिड नॉट लिसन. जबरा नहीं सुना. ही केप्ट ऑन बार्किंग. उसने भौंकना जारी रखा. हल्कू थॉट. हल्कू ने सोचा. आई शुड नॉट इमेजिन थिंग्स. मुझे ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए. व्हेन जबरा इज देयर नो वन कैन इंटर माई फील्ड. जब जबरा वहाँ पे है ही तो कोई भी मेरे खेत में
प्रवेश नहीं कर सकता। अगेन हल्कू हर्ड द कैटल च्यूइंग। अब फिर से हल्कू ने जानवरों के चबाने की आवाज़ सुनी। एस ही वॉज कोल्ड एंड लेजी ही डिड नॉट मूव। जैसा कि वह बहुत ही ठंडा हो चुका था और सुस्त हो चुका था, वह मूव नहीं किया, मतलब वह गया नहीं, वह जा नहीं सका। ही स्टॉप्ड वरीइंग अबाउट हिज फील्ड एंड द कैटल केप्ट ऑन ईटिंग हिज क्रॉप। उसने चिंता करना छोड़ दिया और जानवरों ने फसल को खाना जारी रखा। इट वॉज ए गुड क्रॉप दैट ईयर। उस साल अच्छी फसल थी। हल्कू ले डाउन एंड स्लेप्ट। हल्कू लेट गया और सो गया। When he woke up the next morning, he saw his wife. जब अगली सुबह उठा तो उसने अपनी पत्नी को देखा। She said, Are not you going to get up today? क्या आज तुमको नहीं उठना है? Look, the cattle have eaten up all the crop. देखो, जानवरों ने सारी फसल को खा लिया है। You should have kept watch. तुम्हें देखना चाहिए था। हल्कू replied. हल्कू ने जवाब दिया। You can only think of the fields. तुम केवल खेत के बारे में सोच रही हो। I had stomach ache. मुझे पेट दर्द था। That's why I came here, lit a fire and lay down. इसलिए मैं यहाँ पे आया, आग जलाया और लेट गया। Everything was lost. सब कुछ समाप्त हो चुका था। Pete हल्कू and his wife went into their field. इसके बावजूद हल्कू और उसकी पत्नी खेत में गए। His wife was sad. उसकी पत्नी बहुत दुखी थी। She said, उसने कहा, Now you will have to work as a laborer. अब तुम्हें एक मजदूर की तरह कार्य करना होगा। Yes, and I would not have to sleep in the open on a bitterly cold night like this any longer. हाँ, अब मुझे इस छुटती हुई ठंड रात में खुले में नहीं सोना होगा ज़्यादा समय तक। replied हल्कू with a sigh of relief. हल्कू ने एक संतोष की सांस के साथ जवाब दिया। बेस्ड ऑन प्रेमचंद स्टोरी पूस की रात। यह कहानी प्रेमचंद की कहानी पूस की रात पर आधारित है।